आए हमारे अम्मा बोलते थे रे उतनी सूरत औरत को हंसते हुए मरद को कभी नहीं पता। अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जो मैं तुम दो मस्खरे लौंडों के चक्कर में यहाँ पे आ गया, ये आंगन एक्सपो में आके फंस गया। खैर कोई बात नहीं, मुबारक है। और जो है कशिश प्रेजेंट आंगन को इस सक्सेसफुल इवेंट के लिए मेरी तरफ से दिल की गहरा हूँ इसे मुबारकबाद। लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सबसे करीबी चहीते लोग आए मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ऊपर से इतना क्राउड आया, फिर आप लोग हैं जो हम लोगों को यू नो इतना एनकरेज और सपोर्ट करते, तो इससे ज्यादा क्या ही बोलूँ मैं कि यू नो सक्सेसफुल तो मैं बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए, बट आप लोग हमेशा इतना अच्छा प्यार दिखाते हैं एंड स्पेशली मेरे स्पॉन्सर्स जो है ये टाइम के कशिश एल गिरधारी लाल एंड कोचुलर्स ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज हाइड्रोस्टैन एंड ला फ्रेस्का, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। बट इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है इन लोग मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है, तो थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। कितने स्टॉल थे आज के? 150 से ऊपर स्टॉल्स है मास। बिल्कुल नहीं था, हम लोग ये टाइम यू नो बड़ा करेंगे सोचे थे, लास्ट टाइम से डेफिनेटली बड़ा है इन टर्म्स ऑफ वेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्टॉल्स जो रखे हम लोग। लास्ट टाइम 100 से कम थे, ये टाइम 150 से ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मेरा यही है इरादा कि और बड़ा करते जाऊं और इंटरेस्टिंग बनाते जाऊं और एंटरटेनिंग बनाते जाऊं ये इवेंट को। हमारी दुआ है बहुत यार। शुक्रिया पापा। अप्रॉक्स पब्लिक आप लोग अगर पैन करके देखिए, मेरे को खुद ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि इतनी तादाद में लोग आए, बट मेरे को भरोसा भी था कि यू नो हम लोगों के जो फैंस है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हम लोगों को, एंड बस तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी सबका जो यहाँ पे आए। बहू का मैसेज क्या है? बहू बहुत खुश है, थोड़े हैदराबाद डायरीज के थोड़े एपिसोड में फुल खुश दिखने वाली हूँ आप लोगों को, यही राज है। देखिए अब आप लोग है तो हैदराबाद डायरीज में मेरे को जैसा देखते हैं वैसा मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में, बट थोड़ा थोड़ा अपन हो जाते वैसी, लेकिन अभी है तो आंगन में आके बहुत अच्छा दिख रहा है। इतनी शॉपिंग करी मैं बता नहीं सकती हूँ, शाहरुख के दो क्रेडिट कार्ड मैक्स कर दी मैं। तो थैंक यू सो मच। आज इस शानदार आंगन एक्सपो में आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही देखिए मेहनत से इंसान तरक्की करता है, और ये जो जैनब ने मेहनत की है हैदराबाद डायरीज में आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि आज वो एक्सपो कर रही है, तो लोग की मोहब्बत इतनी है कि पूरी भीड़ यहाँ पर जमी हुई है, भरा हुआ है। मेरा तो यही मानना है कि हर काम में जो है मेहनत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मेरे को भी गुल्लू दादा बनने में 40 साल लगे, 40 साल के बाद मैं गुल्लू दादा बना। वैसे ही हैदराबाद डायरीज का भी जो चैनल है वो शाहरुख को इस्टेब्लिश करने के वास्ते 10 साल लगे, 10 साल शाहरुख जो है लोगों के बैक कमेंट्स ये सब सहते रहा, उसके बाद आज उसको मुकाम मिला हैदराबाद डायरीज माशाल्लाह से आज जो है टॉप पे है। और उसके पूरे आर्टिस्ट जितने अल्ताफ भाई सीनियर आर्टिस्ट हैं, हम उनके सामने जूनियर हैं, तो ऐसे पूरे आर्टिस्ट आज जुड़ चुके हैं हैदराबाद डायरीज से। और इस आज इतना बड़ा कशिश का जो आंगन एक्सपो यहाँ पे हो रहा है, तो मैं कशिश को भी बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा, और जैनब को तो बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जो है शाहरुख का भी यहाँ पे जो है एक हदी फेमस का जो उन्होंने क्लॉथिंग लॉन्च करे कपड़ों का, उसका भी यहाँ पे स्टॉल है, खुशी हुई। तो सबसे दुआ की गुजारिश है शाहरुख के लिए भी जो नया बिजनेस स्टार्ट करे उन्होंने भी कपड़ों का, तो उनको भी मैं मशवरा दिया कि टी शर्ट्स में जो है फोटो इमेजेस की बजाय कुछ नंबर्स के या लेटर्स के टी शर्ट्स वगैरह निकालो, बल्कि मशवरा दिया हूँ। इंशाल्लाह आगे चल के एक से एक वैसी उसी टाइप के अच्छे अच्छे टी शर्ट्स आने वाले हैं शाहरुख की क्लोथिंग में। तो मैं फिर से आप सभी का यहाँ पर जितने भी मीडिया वाले आए हुए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा भाई शाहरुख का बहुत लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आने की वजह एक्चुअली क्या है कि देखिए शाहरुख को ऐसा कुछ नहीं है, शाहरुख बहुत ही मैं शाहरुख तो मेरा बच्चा ही है, मैं बचपने से जानता हूँ उसको। शाहरुख और अबरार एकदम अपोजिट है, अबरार एकदम बिंदास बच्चा है, मेरे ऐसा जरा खुल मिल जाता लोगों में, लेकिन शाहरुख इंतहा ही शर्मीला बच्चा है, बहुत शर्मीला है शाहरुख। लोग समझते हैं शाहरुख का एटीट्यूड है शाहरुख बच्चा, बिल्कुल नहीं। उन्हें बोलता डैडी लोग मेरे वीडियो में मेरे को देख लिए तो बसे बोलता हूँ, मैं भी बहुत कोशिश करा आज लेकिन वो मैं फेल हो गया कोशिश में। शाहरुख किसी के पास नहीं जाता, मेरे घर को आ जाता बाबा है बोल के शायद। जी हैदर भाई आप थोड़ा सा जी लगा आपको आंगन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अल्ताफ हैदर। वैसी बात ये है साजिद भाई बोले ने, साजिद भाई भी बहुत सीनियर है,
लेकिन सिंगिंग जमाने से मैं जो है साजिद भाई की सुनता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। और रही शाहरुख की बात, वाकई में मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे सामने बच्चे जो है ना बड़े हुए वो, और माशाल्लाह दोनों भाइयाँ भी बहुत बेहतरीन, क्योंकि जो तरबियत घर में होती है उसी तरह उन लोग जो है थोड़ा शर्मिले हैं बेचारे हमारे शाहरुख भाई आते नहीं। और जो आज जो प्रोग्राम जैनब का हुआ, लास्ट टाइम भी मैं आया था जैनब के प्रोग्राम में, और वो जो भी प्रोग्राम रखते हैं जैसा कशिश स्पॉन्सर्स है इसका, तो ये भी सक्सेस हुआ, लास्ट टाइम आए थे वो भी सक्सेस, इंशाल्लाह आगे भी जो करेंगे नो सारे प्रोग्राम सक्सेस रहेंगे, क्योंकि जैनब का दिल साफ है, बहू किसकी है। और रहा मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग वाकई में हम लोग को जो उठाते हैं पुश करते हैं, सारे मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं जो है बहुत खुश हूँ आज आके यहाँ पे, मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही, और मैं वर्ल्ड फेमस अम्मी जो हूँ, मेरे को ये जो मेरे को खिताब मिला वो शाहरुख की वजह से मिला। आज मेरा शाहरुख मेरे को यहाँ पे ये यहाँ तक के मेरे को उनका हाथ है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में, शाहरुख का मैं बहुत 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 थैंक यू अदा करूंगी। अम्मी मेरे लिए भी कुछ बोल दीजिए, रूपाली बच्चे के बारे में बोल दे, देख रही हैं आप, ये मेरी बहू बहुत प्यारी बहू है, ये सब बहुओं के वैसी नहीं है, बहुत प्यारी है ये। और बस मैं शाहरुख का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज मैं जो ये मुकाम पे हूँ वो शाहरुख की वजह से हूँ, बस मेरी ये हर दुआ शाहरुख के लिए बहुत दुआ है मेरे को, आई लव माय शाहरुख।